नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है मुगल कॉइन्स के बारे में। दोस्तों, आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मुगल सिक्कों की क्या कीमत है, और अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो आपको कितने पैसे इन सिक्कों के मिल सकते हैं। मेरे पास दोस्तों काफ़ी दिन से काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप मुगल सिक्कों पे वीडियो बनाइए, मेरे पास ये मुगल सिक्का है, मुझे इसके क्या प्राइस मिल सकते हैं, मुझे इसकी क्या वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं मुगल सिक्कों की वैल्यूएशन के बारे में, मुगल कॉइन्स की प्राइस के बारे में, और कितने पैसे आपको इन सिक्कों के मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले ये सिक्के देखिए जो अभी यहाँ पर रखे हुए हैं, आप सिक्कों को गिनते चलिए गए कि करके। ये टोटल दोस्तों 12 सिक्के हैं, 12 डिफरेंट मुगल कॉइन्स, यानी कि मुगल बादशाहों में जो 12 अलग अलग राजा हुए हैं दोस्तों, ये उनके सिक्के हैं। ये मेरे कलेक्शन में दोस्तों काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं। इसमें दोस्तों अकबर से लेके और लास्ट मुगल किंग फर्रुखसियार तक, सॉरी लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर जो था, उसके सिक्के भी मेरे पास दोस्तों अवेलेबल हैं अभी। तो दोस्तों चैनल को मेरे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करोगे तभी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरे पास 12 डिफरेंट मुगल के कॉइन्स हैं, अकबर से लेके दोस्तों लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर के सिक्के मेरे पास अवेलेबल हैं। अकबर से पहले दोस्तों बाबर हुमायूं जो मुगल किंग रह चुके हैं, उनके सिक्के भी दोस्तों मुझे अपने कलेक्शन में चाहिए। तो दोस्तों मुझे एक्चुअली कंप्लीट मुगल कॉइन्स का कलेक्शन करना है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक एक करके जानते हैं इन सिक्कों की क्या प्राइस है, क्या इनकी वैल्यू है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मुगल बादशाह अकबर के सिक्के के बारे में। दोस्तों ये सिक्का जो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको मुगल बादशाह का अकबर का सिक्का है, और इसको स्क्वायर कॉइन बोलते हैं दोस्तों। ये चारों तरफ से दोस्तों चौकोर सिक्का है, और इसको स्क्वायर कलीमा टाइप कॉइन बोलते हैं। अब इस पे जो दोस्तों ये डॉट हैं, ये जो छेद हुए हैं, ये दोस्तों काफ़ी ये टेस्टिंग के लिए होते थे एक्चुअली, जिसके खजाने में सिक्का गया था वो ये चेक करते थे क्या पूरा प्योर सिल्वर है या नहीं है। अब मैं इसको सिक्के को खोल कर आपको एक खास चीज़ सिक्के की दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सिक्का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रेयर सिक्का है, और इसकी कंडीशन सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कितनी अच्छी कंडीशन का ये सिक्का है। और इसके की स्पेशलिटी मैं आपको दोस्तों ये बताने वाला हूँ सिक्के की। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हो, इस पर कलीमा लिखा हुआ है दोस्तों। ये इसको बोलते हैं दोस्तों मुगल बादशाह अकबर का सिक्का है, जो इसको स्क्वायर कलीमा टाइप कॉइन, अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं अकबर कलीमा टाइप स्क्वायर कॉइन, तो ये सिक्के की आपको इमेज दिख जाएगी। अब दोस्तों अगर आपको साइड से देखो दोस्तों, तो इस पे दोस्तों अलग अलग तरह की बहुत सारी मार्किंग है इसके एज के ऊपर, ये जो इसकी किनारियाँ हैं लास्ट में जो ऊपर की तरफ जो है, ये इस पे दोस्तों अलग अलग तरह के निशान है। तो इसमें दोस्तों कुछ डच भी है, कुछ प्रिंसली स्टेट भी है, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के भी है। तो ये दोस्तों अपने अपने निशान छोड़े हुए हैं सबने, क्या जिस जिसके खजाने में सिक्का गया था। ये एक तरह की एंट्री होती थी क्या, अपने एक मतलब इस पे अपना मार्क छोड़ दिया और अपने पास इसकी एक एंट्री कर ली। तो ये सिक्का काफ़ी रेयर हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि मैंने गिना था ये कम से कम 14-15 अलग अलग टाइप की मार्किंग है, जिसमें कुछ डच भी है, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी की भी है, कुछ प्रिंसली स्टेट की भी है। तो दोस्तों ये अकबर का काफ़ी रेयर कॉइन हो जाता है, इसी की वजह से इसकी पूरी तरह से ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी का प्रूफ है ये। और नॉर्मल इस सिक्के के अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों इस सिक्के की प्राइस होती है वो 3 से 4 हज़ार रुपये प्राइस होती है सिक्के की इसी कंडीशन में, लेकिन इन 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 चीज़ों की वजह से सिक्का थोड़ा सा और रेयर हो जाता है दोस्तों। तो इसकी प्राइस आप 4 से 5 हज़ार दोस्तों पकड़ के चलिए, इस सिक्के की इतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो और भी मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे सिक्के हैं, तो आपको मैं दिखा दूँ। सेकंड सिक्के की बात करते हैं, जहांगीर के सिक्के की, इसको भी दोस्तों ओपन करके देख लेते हैं। ये सबसे पहले मैं स्टेपलर की ये पिन इस पर से हटा देता हूँ, और ये जहांगीर का सिक्का दोस्तों निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जहांगीर का कोई नॉर्मल सिक्का नहीं है दोस्तों, ये एक रेयर कॉइन है, ये एक वैल्यूएबल कॉइन है। ये दोस्तों है कंधार मिंट, कंधार जो है दोस्तों वो अभी है अफगानिस्तान में, लेकिन जिस समय मुगलों का शासन भारत में था दोस्तों, उस समय
ये अफगानिस्तान, कंधार वगैरह ये सब पूरा एक ही था, ये पूरा भारत का हिस्सा था, ये सब एक ही था। तो अब ये जो है दोस्तों, ये कंधार मिंट है, यानी कि जो मुगलों के सिक्के थे वो दोस्तों अलग अलग 40-50 मिनटों में, अलग अलग मिनटों में बनते थे, जिसमें दोस्तों आपका शाहजहानाबाद भी होता था, सूरत मिंट भी होता था, आपका सहारनपुर मिंट है, गोलकुंडा मिंट है, टट्टा मिंट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह की बहुत सारी अलग अलग मिंटें होती थी जहां पर ये सिक्के बनाए जाते थे। तो ये दोस्तों कंधार मिंट का है। मैंने काफी अलग अलग जो ऑक्शन वाले होते हैं, मैंने उस पे सिक्के की प्राइस चेक करी थी, तो दोस्तों कहीं पर इस सिक्के की 5,000, कहीं पर 8,000 सिक्के की प्राइस, इसकी कहीं पर 10,000 रुपये। तो ये एक रेयर कॉइन है, ये मुगल बादशाह जहांगीर का कंधार मिंट है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, मुगल जहांगीर कंधार मिंट कॉइन, तो इस सिक्के की आपको इमेज मिलेगी। आप चाहें तो इस सिक्के का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उससे मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों वापस इस सिक्के को कॉइन होल्डर में रख देते हैं। अब नेक्स्ट बहुत सारे सिक्के हैं जिनके हम बारे में बात करेंगे। ये सिक्का जो है दोस्तों, ये है शाहजहां, ये मुगल बादशाह शाहजहां का सिक्का है, सूरत मिंट का। हालांकि इससे अच्छी कंडीशन का सिक्का मेरे पास था एक, वो अलाहाबाद मिंट का था, शाहजहां का, वो इससे अच्छी मिंट का था। ये सूरत मिंट का है मेरे पास, वो अलाहाबाद मिंट का था, और वो काफी शार्प और क्लियर सिक्का था, बिल्कुल एकदम जबरदस्त कंडीशन थी उस सिक्के की। लेकिन दोस्तों वो थोड़ा मैंने सेल कर दिया, उस समय पैसे की जरूरत थी, या मतलब जो भी आप समझे, वो सिक्का मैंने सेल कर दिया था। वो बहुत अच्छी कंडीशन का सिक्का था, उस सिक्का मुझे आज थोड़ा दुख है उससे, क्या क्या मुझे रोक कर रखना चाहिए था, अपने कलेक्शन में होना चाहिए था। तो दोस्तों ये सूरत मिंट का है, शाहजहां का सिक्का। प्राइस की बात करें, सूरत मिंट शाहजहां के सिक्के की प्राइस 1500 से 2000 रुपये भी मार्केट में चल रही है। ऑक्शन एग्जीबिशन में भी सेम इसी प्राइस में सिक्का आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों औरंगजेब के सिक्के की। ये है दोस्तों औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब का सिक्का, ये शाहजहानाबाद मिंट का दोस्तों सिक्का है। शाहजहानाबाद जो एक नया शहर बसाया था शाहजहां ने, शाहजहानाबाद आज की दिल्ली को ही कहा जाता है दोस्तों। उस समय शाहजहानाबाद एक राजधानी उन्होंने बनाई अपनी, उसका निर्माण करा, उसका नाम शाहजहानाबाद रखा। तो इस पे जो दोस्तों मिंटिंग मिंट ऐड है, ये नीचे आप मिंट देख सकते हो, ये शाहजहानाबाद ही नीचे की तरफ इस पे मिंट लिखी हुई है। और ये मुगल औरंगजेब बादशाह का ये सिक्का है और शाहजहानाबाद का है, यानी कि आज के टाइम में इसको हम दिल्ली मिंट का सिक्का भी बोल सकते हैं दोस्तों। यानी कि उस समय में ये शाहजहानाबाद में बना था, लेकिन दिल्ली का एक नाम शाहजहानाबाद भी दोस्तों है। तो ये औरंगजेब का सिक्का है दोस्तों। अगर आपके पास भी ये औरंगजेब का सिक्का है अच्छी कंडीशन का, तो आपको दोस्तों आ सकते हैं सिक्के के 2 से 2500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक सिक्के की और, मोहम्मद शाह। ये है दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीले का सिक्का। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही नादिर शाह की लूट हुई थी दिल्ली में, और उसने दिल्ली को लूटा था, और जो तख्ते ताऊज था, जो मयूर सिंहासन था, वो भी लूट के ले गया था नादिर शाह, और जो कोहिनूर हीरा था वो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला से ही नादिर शाह लूट कर अफगानिस्तान ले गया था दोस्तों, क्योंकि वो एक लुटेरा था दोस्तों, और मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही उसने दिल्ली में लूट मचाई थी। तो ये दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला का सिक्का है। इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सिक्के देखने को मिलते हैं, इसकी वैल्यू की बात करें तो 1000 से 1500 रुपये इसकी वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये आलमगीर सेकंड का सिक्का है दोस्तों। आलमगीर फर्स्ट भी है, आलमगीर सेकंड भी है, तो ये आलमगीर सेकंड का सिक्का है, इसकी भी वैल्यू दोस्तों 1000 से 1500 रुपये है। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे सिक्के हैं। ये मुगल बादशाह फर्रुख सियार का सिक्का है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंडीशन का सिक्का है मुगल बादशाह फर्रुख सियार का। और इसकी फर्रुख सियार के सिक्के एक्चुअली थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े रेयर माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मिलते नहीं हैं सिक्के। मोहम्मद शाह रंगीला के दोस्तों काफ़ी सिक्के मिलते हैं देखने को, लेकिन फर्रुख सियार जो मुगल बादशाह है उसके सिक्के इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं दोस्तों देखने को। ठीक है दोस्तों, तो फर्रुख सियार के सिक्के की दोस्तों 2000 रुपये के आसपास कीमत होती है आज की डेट में। ये है दोस्तों अहमद शाह, मुगल बादशाह अहमद शाह जो है, ये उसका सिक्का है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और किसी कॉइन कलेक्टर को भी ये सारे स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, तो वो भी आपको बता देगा अगर उनको सिक्के की नॉलेज है,
इसका सिक्का है, क्योंकि दोस्तों इस पर बादशाह का नाम भी लिखा होता है और इस पे मिंट भी लिखी होती है, कहाँ पे बनाए गए थे सिक्के और सारी चीज़ें इस पे लिखी होती है दोस्तों। ये दोस्तों अकबर सेकंड का सिक्का है, मुगल बादशाह अकबर सेकंड का सिक्का है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, अच्छी कंडीशन है इसकी, ठीक है दोस्तों। बाकी ऐसे ही और सिक्के हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये शाह आलम सेकंड के सिक्के हैं दोस्तों। ये थोड़े से रेयर वैरायटी है, ठीक है दोस्तों। ये बनारस मिंट में है, शाह आलम के नाम पर जारी होते हैं। एक्चुअली उस समय प्रिंसली स्टेट जो छोटी मोटी रियासत थी वो एक्चुअली मुगलों के अंडर में थी उस समय, जो जिनको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। ये जो रियासत थी जोधपुर रियासत, ठीक है दोस्तों, ये आपका बनारस, ठीक है दोस्तों। तो इस समय की ये जो छोटी मोटी रियासत थी उस समय मुगलों के अधीन थी, तो सिक्के तो बनाते थे लेकिन मुगल बादशाह के नाम पर ही जारी करते थे। तो दोस्तों ये बनारस मिंट का सिक्का है, इस पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक मछली बनी हुई है, फिश कॉइन, इसको फिश भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बनारस मिंट का सिक्का है और ये शाह आलम सेकंड के नाम पर जारी हुआ था। ऐसा बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिक्का बनाया गया था, लेकिन ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको भी। इस सिक्के की प्राइस दोस्तों 3000 रुपये से 3500 रुपये तक इस सिक्के की प्राइस है, क्योंकि ये दोस्तों थोड़ा रेयर है। और मैंने अभी ऑक्शन में चेक भी किया था, ये 4000 तक 5000 तक भी बिकता है सिक्का, क्योंकि मछली वाला फिश कॉइन है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक सिक्का और है, ये भी मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का है, और पीछे की तरफ दोस्तों इसमें भी मछली बनी हुई है, आप देख सकते हो। इसमें दोस्तों यहाँ मछली बनी हुई है और इसमें दोस्तों यहाँ मछली बनी हुई है, ठीक है। दोनों ही शाह आलम सेकंड के हैं, लेकिन अलग अलग रियासतों द्वारा ये जारी हुए थे सिक्के दोस्तों, अलग अलग ये मिनटों में बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये इन सिक्के, इसकी मैंने बताया आपको 3500 रुपये तक इसकी कीमत होती है, और इस सिक्के की जो प्राइस होती है दोस्तों 1500 रुपये तक होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे मुगल सिक्के हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे मुगल सिक्के हैं जो मैंने आज आपको इनके बारे में बताया, और इनकी प्राइस के बारे में बताया, इनकी वैल्यू के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ मुगल कॉइन्स है और आपको इनकी वैल्यू के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उस पर अपनी कॉइन्स की फोटोग्राफ्स भी मुझे भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि सर मुगल कॉइन्स की क्या वैल्यू हो सकती है, मेरे पास जहांगीर का सिक्का है, अकबर का सिक्का है, मैंने चेक कराया तो उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है दोस्तों, ताकि आने जो आपके दोस्त हैं या कोई आपके रिलेटिव हैं उनको भी इन कॉइन्स की वैल्यू पता चल पाए, एक्चुअल में क्या इनकी वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन पे भी डिपेंड होती है, क्योंकि सारा कंडीशन का खेल होता है इनमें, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको ये सिक्का दिखाया था ये अकबर का, तो ये काफ़ी अच्छी कंडीशन का सिक्का है, लेकिन इसमें एक प्लस चीज़ वो भी है कि इस पर आपको मैंने दिखाया था एज पे अलग अलग जो इस पर मार्किंग है अलग अलग रियासतों की, तो उसके वजह से इसकी प्राइस दोस्तों थोड़ी और बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करने से ये होगा, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आपको सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करने से ही आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों आज यहीं ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।